कि कहीं ना कहीं हम लोग तुष्टिकरण के नीति का पूर्णतः स्वीकार करें, और ये छपरा उसका जीता जाता प्रमाण है। और हमारे शहर के बहुत सारे बुद्धिजीवी हो और जिस संगठन के द्वारा भी विश्व परिषद पर हम लोग एक बार में हम लोग जो समिति का देन है कि सारे शोभा यात्रा समिति जो भी हमारे 86 पूजा समिति है सबों को एक मंच पर लाने का कार्य शोभा यात्रा के माध्यम से आज लगता है कि शहर के 90-90% लोगों ने जय सीधा उच्चारण करने में अपने आप को गर्व महसूस किया। ये दूसरा शोभा यात्रा के माध्यम से अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हिंदू नववर्ष की संघ परिवार के लोगों का ही पद की व्याथा थी। इस शोभा यात्रा के माध्यम से एक शहर के बीच में लोगों ने एक छोटा सा प्रयोग किया था कि क्यों ना हम लोग धार्मिक रूप से इस शहर को जोड़े, क्योंकि धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है और धर्म के शक्ति होने का मूल कारण है कि हम लोगों ने 2016 में एक छोटा सा प्रयोग किया था कि घर घर में हमारे कार्यकर्ताओं हमारे लोगों ने जाकर घर घर 5 दीप का वितरण किया था। सूचना के माध्यम से हम लोगों ने माइक के माध्यम से लाउड स्पीकर गाड़ियों के माध्यम से घर घर लोगों को ये कहने के लिए विवश कर दिया कि हमारा भी नववर्ष आता है। मैं भी जब छोटा था तो हम लोग 1 जनवरी को मनाते थे, यानी 1 जनवरी क्या था, वो क्रिश्चियन नववर्ष था, और उसके लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार करते थे कि आज 1 जनवरी आ गए तो हम लोग भी हैप्पी न्यू ईयर नववर्ष मंगलमय हो। लेकिन क्या हम लोगों की भी तो अपनी तो सनातन संस्कृति की हिंदू तो नववर्ष आता था। जब एक मुसलमान अपने हिजरी संवत मनाने के लिए पूरे दुनिया में मना सकता था, तो क्या हम हिंदू होने के नाते अपने नववर्ष मनाने के लिए क्यों नहीं उसको ले आगे गए? क्योंकि हमारे ब्रिटिशकालीन सामंतों ने और इस वामपंथी विचारों ने हमारे डीएनए पे वो बात किया था कि हम लोग को जो आज एक अपने जंगल होने जा रहा है उसको हम लोग मुठ दिवस को बात दिया किया करते थे। हम लोग भी स्कूल के माध्यम से मुठ दिवस के नाम पर एक दूसरे को हंसते खेलते मिलाते थे। लेकिन वो मुख्य दिवस क्या था उसके विषय पर आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के हिंदुओं के प्रति जो हमारा हिंदुस्तान जो कभी ईरान से लेकर थाईलैंड तक हमारा देश था, हिंदू आज जातिवाद के उत्पीड़न